राज्यसभा में मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर हुई बहस, गुलाम नबी आजाद ने उठाया जुनैद का मुद्दा। ऐसी घटनाओं को लेकर संघ पर भी साधा निशाना, कहा बीजेपी अपने परिवार को रोके। हिंदू देवी देवताओं पर सपा सांसद का राज्यसभा में विवादित बयान, हंगामे के बाद जताया। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बीच बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा हंगामे के लिए कांग्रेस ने बना रखा है 40 पन्नों का डोसिया। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। मुलायम सिंह ने लोकसभा में उठाया चीन और पाकिस्तान का मुद्दा, कहा हमेशा से भारत को अपना दुश्मन मानता है चीन, हमले की कर रहा है तैयार। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक, पीएम मोदी ने अपने विदेश दौरों के बारे में की बात, जीएसटी समेत कई मुद्दों पर भी की चर्चा। बीफ को लेकर बोले गोवा के सीएम मनोहर पारिकर, राज्य में नहीं होने देंगे बीफ की कमी, जरूरत होने पर कर्नाटक से आयात करने की कही बात, विहिप ने मांगा पारिकर का इस्तीफा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में की किसान आक्रोश आंदोलन की शुरुआत, पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा राजस्थान के किसानों का कर्ज भी माफ करवाएगी कांग्रेस। तमिलनाडु के विधायकों की सैलरी 55,000 से बढ़ाकर 1.6 लाख की गई, विधानसभा में सीएम पलानीस्वामी ने की घोषणा, कर्ज माफी को लेकर तमिलनाडु के किसान दिल्ली में कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया मंत्रियों के विभागों में बदलाव, कैलाश गहलोत को दिया गया राजस्व विभाग, राजेंद्र गौतम को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी। 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, कहा क्यों ना आपकी जमानत रद्द कर दी जाए। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने क्राइम ब्रांच पुलिस को लगाई फटकार, रामजस कॉलेज में लगे देश विरोधी नारे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर लगी फटकार, रिपोर्ट के लिए क्राइम ब्रांच मांग रही थी और बात। हरियाणा सरकार ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को गैस संचालित करने की दी अनुमति, सरकार ने सीएनजी और पीएनजी गैस संचालित करने की दी मंजूरी, आईजीएल को गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के पास सीएनजी स्टेशन लगाने की अनुमति। हरियाणा में बिजली हुई महंगी, बिजली की दरों में 25 से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, 150 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के रेट में बढ़ोतरी। गोहाना के सरकारी विश्राम गृह पहुंचे जनस्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार उन गांवों को शहरी तर्ज पर पीने का पानी और सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई सामने आई है, हाथ में डंडा फंसाकर दलित नाबालिग की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में असम की एक्ट्रेस और सिंगर विदिशा ने किया सुसाइड, दो दिन पहले ही पति के साथ अपार्टमेंट के फ्लैट में हुई थी शिफ्ट, पुलिस ने विदिशा के पति को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक ठग गिरोह का किया पर्दाफाश, दो नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, सैकड़ों लोगों को लगा चुके हैं लाखों का चूना। गाजियाबाद के मोदी नगर में कांवड़ियों और पुलिस के बीच हंगामा, एक गाड़ी के कांवड़ियों से टकराने पर हुआ हंगामा, गाड़ी सवार युवक गाड़ी लेकर हुए फरार, गुस्साए कांवड़ियों ने की पुलिसकर्मियों की पिटाई, अधिकारियों के पहुंचने पर शांत हुआ मामला। नोएडा के सेक्टर 45 सदरपुर गांव में मासूम बच्ची से रेप, बच्ची के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में हिंडन नदी में डूबने से एक 14 साल के छात्र की मौत हो गई है, दोस्तों के साथ नहाने गया था छात्र, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। दिल्ली कनॉट प्लेस खादी ग्रामोद्योग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप, सीबीआई ने दर्ज कराई एफआईआर, काले धन को सफेद करने का आरोप। सीएम सिटी करनाल में एक और सड़क घोटाला सामने आया है, नगर निगम के सामने स्थित सुभाष कॉलोनी में सड़क के ऊपर सड़क बनाकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, घोटाले में नगर निगम के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ जिला प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल। दिल्ली के आजादपुर मंडी में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, मंडी में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। टोहाना में बिजली विभाग ने कसा बिजली चोरों पर शिकंजा, क्षेत्र में बिजली चोरी के 101,024 केस पकड़े, 1,60,00,000 रुपए का लगाया जुर्माना, जुर्माने के तौर पर करीब 50,00,000 रुपए की राशि हो चुकी है।
दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश, बारिश से तापमान में आई गिरावट, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या।